फ्रेंड्स, अनु की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको आलू और ब्रेड से बनने वाला बहुत ही अच्छा स्नैक्स बनाना सिखाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी है, बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आलू ब्रेड का चीजी स्टिक हम बनाना सिखा रहे हैं आपको। तो आज आप देखिए कैसे बनेगा वो, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, तो आप देखिए। आइए चलिए सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें आलू चाहिए। हमने आलू को बॉयल आलू है, इसको मैश करके हमने रख लिया। इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। ये हमारा चीज़ है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ है। ये तीन आलू हैं मेरे मैश किए हुए। ये मैं आधा प्याज काट के छोटा छोटा बारीक काटा है, धनिया थोड़ा काट लिया है, अदरक और लहसुन का ये पेस्ट बना लिया है। ये ब्रेड क्रम है और इसमें मैंने स्वीट वो कॉर्नफ्लैक्स डाला है। कॉर्नफ्लैक्स और ब्रेड क्रम एक साथ हमने इसको पीस के इसको ब्रेड क्रम बना लिया है। और ये मेरा दो चम्मच हैं बड़े, ये कॉर्नफ्लोर हैं। और ये हमारा मसाला है, ये इसमें नमक है, ये 1 टीस्पून। और ये हमारा मिक्स्ड हर्ब है और चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ही काला नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और हमें तलने के लिए तेल चाहिए, तो वो यहाँ पे हमारा है। तो अब देखिए, पहले से हम मिला लेंगे, एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे और उसके बाद हम इसकी स्टिक बनाएंगे। दोस्तों, बच्चों को बहुत पसंद आता है और बच्चे बहुत ही चाव से इसको खाते हैं। ये पहले हम 2 चम्मच मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर, प्याज मिला देंगे, सब कुछ मिलाना है इसमें, सब बारीक कटे हुए हैं। कभी भी शाम को मन हो तो बच्चों को आप दे सकते हैं इसको, या कभी पार्टी है छोटी मोटी तो भी आप इसको दे सकते हैं। चाट मसाले में भी नमक है तो काला नमक भी है, तो हमें नमक उसी के अकॉर्डिंग डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। इसको पहले थोड़ा मिला लें। इसको कभी भी बर्थडे में है, बच्चों के कोई छोटी मोटी पार्टी है, आप उसमें बना सकते हैं, बच्चों को खुश कर सकते हैं। ब्रेड क्रम मिलाएंगे, पूरा नहीं मिलाना, कोई बात है, मिलाने की आप, ये आधी कटोरी ब्रेड क्रम है जो हमने मिलाया भी। इसमें हम चीज़ भी मिला देंगे, चीज़ में भी नमक होता है, इसलिए नमक जो है संभाल के डालना पड़ेगा हमको। सब अच्छे से हमको एक डो की तरह बनाना है, जैसे अच्छे से हम इसको स्टिक बना सकें इसकी। तो दोस्तों, ये हमारा डो के जैसा बन गया है, आलू का, आलू और ब्रेड क्रम जो हमने बनाया था। अब इसको हम एक कोई ऐसी इस तरह की, या तो आपके पास बटर पेपर हो या ऐसे कोई कपड़े वाली पन्नी हो, आप उसमें ऐसे हल्का सा तेल लगा दीजिए। हम ये वाला तेल ले लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। ऐसे भी हमको इसको बेलना है, दोनों तरफ इधर के इधर में भी लगा देंगे, जैसे कि चपके ना हमारा आलू और अच्छे से निकल जाए। और इसको हम देंगे, अच्छा सा हमारा डो बन गया है, इसको हमको स्टिक बनाना है। पहले हाथ से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें। अगर आप आलू माइक्रोवेव कर लेंगे, माइक्रोवेव में कर लेंगे, बस छीला और माइक्रोवेव में 4 मिनट के लिए 3 आलू में हो जाएगा, पक जाएगा, और तो उसमें जो है पानी ज़्यादा नहीं आता दोस्तों। तो और पकाने में कुकर में आलू उबालेंगे तो उसमें थोड़ा पानी आ जाता है आलू में, तो थोड़ा बनने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप, आपके यहाँ माइक्रोवेव हो और उसमें इस तरह करिए आलू उबाल के, तो बहुत अच्छा बन जाता है। अब इसको हम बेलेंगे, तो हम अभी हाथ धो लेते हैं, फिर तो हाथ में चपकेगा। तो दोस्तों, इस तरह हमने इसको पलट लिया है, ये पन्नी इसका। अब हम इसको फिर थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे और अच्छे से
इसको बेलना है मुझे डो की तरह स्क्वायर शेप में। बहुत पतला नहीं करना है और एक बार देख लेते हैं कितना मोटा हो गया। बस सही लग रहा है, बस इसी पे हम इसको रोकेंगे। और हमने इसमें ऑयल को जो है फ्राई पैन पे हमने चढ़ा दिया है और ये ऑन कर लिया हमने गैस। और हम इसको देख लें बराबर से इसको कट करके, जितनी बड़ी हमको स्टिक चाहिए दोस्तों उतना ही बड़ा हमको काटना है इसको, ना ज़्यादा पतला होना है और ना ज़्यादा मोटा होना है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको किनारे से निकाल देते हैं जिससे एकदम स्क्वायर में आए इस तरह से। इसमें थोड़ा सा तेल लगा लूँगा जिससे चिपके ना, और इधर भी इसी तरह निकाल लूँ। इस तरह से पकड़ के हल्का सा, ये हमारा एक स्टिक बन गया है। इसको हम अलग से निकाल लेते हैं, संभाल के निकालना है इस तरह से। अब इसको हम एकदम फ्लैट कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा और बेल लेंगे जिससे कि स्क्वायर में आ जाए। बस अब इसको हम इसी तरह ही थोड़ी थोड़ी कट लगाएंगे, पकड़ के करना है। अच्छा लगता है दोस्तों ये इस तरह बनाई, बच्चे थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई भी शेप दे सकते हैं आप इसका, स्माइली बना सकते हैं इसका, या फिर हार्ट शेप में बना सकते हैं, या स्टार शेप में बना सकते हैं। इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं, बहुत नहीं मोटा रखना है तो आप पतला भी कर सकते हैं, जितना भी आपको पतला चाहिए आप उसको कर सकते हैं। पहले हम इसको निकाल लेंगे। अब हमें तेल देखना है बहुत ज़्यादा हीट नहीं हो। अब अच्छा से गर्म हो गया, थोड़ा हम इसको ऑफ करेंगे। पहले बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो अभी हम बाकी सब निकाल देते हैं स्टिक वन बाई वन। तो दोस्तों हमने सारी स्टिक बना के रख ली है और थोड़ा हमने फिंगर की तरह भी बना के रखा है आलू को शेप में। तो इस तरह से हम अभी इसका बना लिया है, देखें हमारा तेल हो चुका है। इसको हमें मीडियम में फ्राई करना है, ना तो ज़्यादा हाई में और ना ही स्लो पे, क्योंकि स्लो करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेल इसमें पी लेगा और ज़्यादा हाई पे करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लेम हमको मीडियम रखना है। एक थोड़ा सा काट के देखते हैं, डालते हैं इसमें, अगर ठीक से ऊपर आ गया। हाँ हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। दोस्तों आप चाहें तो एक ही दिन में सब फ्राई कर लें अगर खाना है आपको, नहीं तो आप इसको रख दीजिए इसी तरह फ्रिज में ढक के, और जब भी आपको मन करे एक हफ्ते के अंदर कभी भी खाना हो तो आप उसको जो है फिर से मुझे फ्राई कर सकते हैं, खा सकते हैं इसको। तो इसको दो तरह से आप खा सकते हैं, तो आपको पूरा खाना है तो आप पूरा बना लीजिए, और थोड़ा खाना है तो आप थोड़ा। देखिए मेरा हो गया है, अब मैं इसे एक एक उठा के थोड़ा हमको लिटा के इसी तरह डालना है जैसे हाथ जले ना। मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं, इतना दूरी थोड़ा रहे कि हम अच्छे से इसको पलट सकें, एक साथ में चपक न जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा देखिए थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो रहा है, अभी इसे अच्छे से गोल्डन करेंगे तभी ये क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह हल्का हल्का घुमाते हुए, तो दोस्तों देखिए हमारा ये पूरा जो है स्टिक हमारी आलू की एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। अब इसको इस टाइम पे हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में और फिर दूसरी स्टिक डालेंगे, उसको भी इसी तरह लाल करेंगे।
तो दोस्तों बाकी भी हम इसी तरह का ही फ्राई कर लेंगे इसी तरह से। और दोस्तों जब हम इसको डालें तो उसको तुरंत नहीं हमें पलटना है, क्योंकि इसमें चीज़ भी पड़ा हुआ है, अगर ज़्यादा जल्दी से आप पलट देंगे तो वो जो है टूट जाएगा, फिर आपकी स्टिक अच्छे से नहीं बन पाएगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब एक बार अच्छे से वो एक साइड में हो जाए तभी आप पलटिए, जो आप हड़बड़ी किए तो उस पर थोड़ा स्टिक में इधर उधर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना झटपट से हमारा ये स्नैक बन गया है, आलू ब्रेड चीजी स्नैक। ये इसको हम स्टिक का नाम देंगे, इसको आलू ब्रेड चीजी स्टिक। तो आप भी इस तरह घर पे बनाइए और बहुत ही झटपट बन जाता है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो आप कोशिश करिए कि घर में बहुत अच्छे अच्छे नाश्ते बनाइए, और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, तो कल फिर हम मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय।